एवरीवन कैसे हो आप लोग आई होप यू आर आर वेरी वेल तो मैं हूं जोशी का फ्रॉम लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एस एस टी फ्री एट लर्न डॉट कॉम तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 फिजिक्स आईसीएससी का चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स लिक्विड्स एंड रिलेटिव डेंसिटी तो ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर कर लेंगे तो आर यू ऑल एक्साइटेड इफ यू आर सो विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड अभी हम चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला टॉपिक जिसका नाम है डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है डेंसिटी हर एक बॉडी का एक सर्टेन मास होता है एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है जिसको मिलाकर बन जाती है आपकी डेंसिटी बिकॉज डेंसिटी क्या होता है डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम ठीक है और और सभी एक कोई भी ऑब्जेक्ट हो इस दुनिया में उसका कुछ कुछ मास होगा होगा वॉल्यूम हो चाहे वो पैन हो चाहे वो बॉटल हो चाहे वो बकेट हो चाहे वो ग्लास हो कुछ भी हो ठीक है पर आपको इस ग्लास में पानी के साथ साथ ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है ऑयल भी दिख रहा है है ना और आप देख पा रहे हो कि ऑयल जो है वाटर में क्या कर रहा है फ्लोट कर रहा है नीचे तो सेटल नहीं हुआ यानी ये जो ऑयल है ना ये लेस डेंस है इसीलिए ये वॉटर में फ्लोट कर सकता है ज्यादा कंसेप्ट में नहीं जाना है क्योंकि आपके सिलेबस में उतना डीप में नहीं है बट इतना पता चल गया कि भाई ऑयल जो है ना वो लेस डेंस है इसलिए ये फ्लोट कर रहा है जो भी ऑब्जेक्ट लेस डेंस होगा वो फ्लोट करेगा उस मटेरियल में ठीक ओके हो गया क्लियर चलो बढ़ते हैं आगे अब हम कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं इस चैप्टर में कि पहला इलस्ट्रेशन ये है कि मान लेते हैं कि दो डिफरेंट सब्जेक्ट है आपके एक है आपका कॉटन और एक है आपका लेड ठीक है इनका हमने क्या लिया इनको हमने इक्वल मासेस हमने कैलकुलेट करके लिए और फिर हम बोल रहे हैं कि इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स अब इस बात को कैसे यहां पर बोला तो यहां पर जब आप देखोगे तो आपको ये बताए कि ये जो लेड है इसमें आपको जितने भी मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर वो क्या है क्लोजली पैक्ड है एज कंपेयर टू दिस कॉटन कॉटन में क्या है उतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं जिसके कारण हम ये कह देते हैं कि जो लेड है वो क्या होता है मोर डेंस होता है than cotton. अगर ये मोर डेंस होता है तो क्या इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा कॉटन से या कम होगा सोचिए इसके बारे में तो अभी मैंने आपको बताया कि जो डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम अगर डेंसिटी ऑफ लैड इज मोर देन द कॉटन तो क्या वॉल्यूम भी मोर होगा नहीं होगा बिकॉज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम इफ डेंसिटी इज मोर वॉल्यूम विल बिकम लेस तो वॉल्यूम ऑफ लैड इज लेस देन द कॉटन ठीक है रीजन भी हमने समझ लिया अब देखते हैं नेक्स्ट वन तो अभी हमने देखा फर्स्ट में कि इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट वॉल्यूम नाउ आप देखेंगे उसका जस्ट उल्टा कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मासेस ठीक है तो यहां पर जहां पर वो मासेस था वहां पर वॉल्यूम आ गया जहां पर वॉल्यूम था वहां पर मासेस आ गया क्लियर यहां पर आपको एग्जाम्पल देखिएगा आयरन और वुड का अब आप यहां पर इजली देख के बोल पाओगे कि आपने आयरन देखा है लोहा तो लोहा जो है क्या वो लकड़ी से ज्यादा डेंस होता है बिल्कुल होता है तो इट इज मोर डेंस क्यों है बाय डेंस क्योंकि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं आपके क्लोजली पैक्ड हैं एज कंपेयर टू वुड अगर ये मोर डेंस है यानी इनकी जो डेंसिटी है वो मोर है ज्यादा है देन वुड अगर डेंसिटी इसकी ज्यादा और हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम तो यानी इफ डेंसिटी इज मोर तो मास क्या होगा मास के तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मास भी आयरन का ज्यादा होगा तो मास ऑफ आयरन इज मच मोर देन दुड अब आप ये ना प्रैक्टिकली भी देख सकते हो वो लोहा लो लकड़ी लो कौन सा ज्यादा बाहरी निकलता है ठीक है देख के मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में चलिए आगे बढ़ते हैं तो चलिए बात करते हैं अब जो टॉपिक हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास ऑफ़ सब्सटेंस मास्यूमला सब्सटेंस वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसकी यूनिट क्या होती है तो यहाँ पर मास की यूनिट क्या होती है के जी सबने पढ़ा ऐसा यूनिट वॉल्यूम की क्या होगी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है फॉर्मूला तो इसकी क्या हो जाएगी मीटर क्यूब यानी इसकी यूनिट क्या हो गई केजी पर मीटर क्यूब और इसको आप लिख सकते हो केजी मीटर की पावर माइनस थ्री नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एस यूनिट एंड सीजीएस यूनिट व्हाट इज सी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड ठीक है इसको देख लेते हैं हमारे पास जो एस यूनिट है वो है आपकी वन के पर मीटर क्यूब ठीक है इसको अगर मेरे को ग्राम में कन्वर्ट करना है के को और इसको मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो के जी वन के में थाउजेंड ग्राम से हो गए एंड आप जानते हो कि वन सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं वैल्यूज रखोगे देखोगे आपका रिलेशन आएगा कि वन के पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू द वन अपॉन थाउजेंड ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्लियर टू एवरी वन नाउ मूव फॉरवर्ड नाउ अभी हम देखते हैं एक एग्जाम्पल इसके बेसिस पे आपका एग्जाम्पल में क्या है कि आपके पास आयरन क्यूब का जिसकी वॉल्यूम कितनी दी है टेन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू द सेवेंटी एट ग्राम ये क्या है इसका मास तो मास ऑफ द आयरन क्यूब क्या दी है तो आप पहले लिखोगे इसमें गिवन मास ऑफ आयरन क्यूब वल टू सेवेंटी एट ग्राम वॉल्यूम ऑफ आयरन क्यूब इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर क्यूब नाउ डेंसिटी क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम तो यहाँ पर मास है आपका सेवेंटी एट ये है आपका टेन ये हो जाएगा सेवन पॉइंट एट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सो दिस इज द आंसर इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे यहाँ से एक चीज और हमने नोट में लिखी है कि किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होती है अगर आप उसका साइज और शेप को चेंज करो तो डेंसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्लियर टू एवरी वन नाउ मूव फॉरवर्ड तो चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जहाँ पर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट एवरी सब्सटेंस अगर आप उनको हीट करोगे तो वो एक्सपेंड करेंगे यानी वो पिघलते हैं तो वो एक्सपेंड करते हैं अगर आप उनको कूल cool करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी उनके मास में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा यही पहला पॉइंट है तो इसका मतलब जो डेंसिटी है वो सब्सटेंस की वो डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर डेंसिटी में क्या हो रही है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो वो क्या हो रही है डिक्रीज होगी सब की यानी जब आप हीट कर रहे हो तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है जब आप कूल कर रहे हो तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है किसी भी वाटर की जो डेंसिटी किसी भी वाटर मतलब नहीं ना डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो मैक्सिमम कब होती है फोर डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वो उसकी वैल्यू कितनी होती है डेंसिटी ऑफ वाटर की थाउजेंड के पर मीटर क्यूब के बराबर होती है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव में या फिर क्वेश्चन में लिए चलो बढ़ते हैं आगे अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ रेगुलर ऑब्जेक्ट कोई भी रेगुलर ऑब्जेक्ट का होता है जब उसका आपको शेप पता है साइज पता है सबको पता है क्लियर है मतलब शेप नहीं है तो आप कैसे फाइंड करोगे उसकी डेंसिटी सबको पता है कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला है वो अभी मैंने आपको बताया मास अपॉन वॉल्यूम यानी आपको डेंसिटी निकालने के लिए मास पता होना चाहिए और वॉल्यूम पता होना चाहिए तो मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़े हैं बीम बैलेंस की हेल्प से तो बीम बैलेंस की हेल्प से हमने मान लिया कि मेजर करा मास जो आपका एम आ फिर आपने क्या किया मीटर रूलर मेजर की, उसकी ब्रेथ, किसी भी रेगुलर की तो आपको, पता चल गया। आपको क्या निकल आएगा बच्चों डेंसिटी निकल आएगी क्लियर ना तो आप रेगुलर सॉलिड की डेंसिटी आप ऐसे निकाल सकते हो अब यहाँ पर कुछ फॉर्मुले आप ऑलरेडी जानते हो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम और क्यूब दिया है कोई अगर रेगुलर सॉलिड में आपके पास क्यूब है तो वॉल्यूम मास तो ऐसे ही निकलेगा वॉल्यूम निकल तो क्या होता है फोर बाई थ्री पाईआर क्यूब सिलेंडर है तो पाईआर स्क्वायर एज तो ये सारे फॉर्मुलिस भी आपको पता है तो आप डायरेक्टली इन फॉर्मुलिस का भी अप्लाई करके भी आप वॉल्यूम निकाल सकते हो और फिर मास पहले मास निकालो वॉल्यूम निकालो फिर टेंसिटी तो निकल ही आएगी अब बढ़ते हैं आगे अब हम बात करेंगे उन वेसल्स की जिनकी हेल्प से हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं तो पहला वेसल वो होता है आपका मेजरिंग सिलेंडर ये आपको दिख रहा है यहाँ पर ये मेजरिंग सिलेंडर कहलाता है यहाँ पर कुछ वो नंबरिंग होती हैं जैसे कि यहाँ से जीरो फिर हाफ वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे करके अलग अलग वो क्या वो, मतलब अलग अलग मेजरमेंट के सिलेंडर्स आते हैं ये बने किससे होते हैं या तो ये ग्लास के होंगे या फिर ये प्लास्टिक के होंगे ये मेनली मिलीलीटर में कैलकुलेट करके देंगे जिसमें जीरो मार्क होता है इसके बॉटम में यानी जीरो कहाँ है इसके बॉटम में है ठीक है ये डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज के आते हैं लेकिन ये कैलकुलेट कितना यूनिट कौन सी लेते हैं मिली ही लेते हैं जैसे कि फिफ्टी एम का आएगा हंड्रेड एम का आएगा टू हंड्रेड का आएगा फाइव हंड्रेड का आएगा मान लो मैं आपको कह दूँ कि आपको टू फिफ्टी कैलकुलेट करना है वॉल्यूम तो आप कौन सा लोगे इनमें से तो आपको लेना पड़ेगा फाइव हंड्रेड बिकॉज टू हंड्रेड से ज्यादा है तो किस में आप कैलकुलेट कर पाओगे फाइव हंड्रेड वाले में ठीक है तो इस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू द नीड आप मेजरिंग सिलेंडर को लोगे और मेजर कर सकते हो उसका वॉल्यूम ठीक है आप आगे बढ़े अब जो नेक्स्ट वैसल है वो है आपका मेजरिंग बीकर जो जिसकी हेल्प से भी आप वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हो ये भी ग्लास प्लास्टिक या फिर मेटल का बना होता है मेटल स्पेसिफिकली का यूज होता है ठीक है इसको हम क्या करते हैं इसको हम यूज करते हैं टू तो टेक आउट अ तो फिक्स्ड वॉल्यूम हमें निकालना होता है किसी भी लिक्विड्स का जैसे कि मिल्क ऑयल इन सबका तो आप इजिली इसका यूज कर सकते हो ये भी डिफरेंट कैपेसिटीज में होता है फिफ्टी हंड्रेड टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड और वन लीटर तक ही अवेलेबल है यहां पर आपको इसका शेप देखने को मिल रहा है तो बीकर कुछ इस तरीके का है ये आपका फाइव

ये आपका कहलाता है स्पाउट ठीक है एंड दस द बीकर कैन कंटेन अ अ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अप टू द स्पाउट अब आपको जो 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 बीकर ये जो है, ये जो है, ये है 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 आपका वेसल कैन कहलाता इसमें आप कहां तक अपना फिल कर सकते हो आप ये इस लेवल तक कर सकते हो बिकॉज इसकी अगर आपने एक्सटेंड किया तो ये यहां से फ्लो होके बाहर निकल आएगा ठीक है मान लो आपने पूरा फुल कर लिया तो आप इसके एंड तक इसको खाली करोगे ठीक है चलो अब हम करते हैं आगे तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जिसमें आप देखेंगे कि अगर आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसी भी इरेगुलर सॉलिड की तो आप कैसे करेंगे तो पहले तो मास निकालना होगा वॉल्यूम निकालना होगा मास कैसे निकालोगे विद द हेल्प ऑफ द बीम बैलेंस जो कि आपने पहले पढ़ा हुआ है वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे अगर कोई भी इरेगुलर सॉलिड है तो, तो आप क्या करोगे यहां पर आपने क्या किया आपने अपना एक ये बीकर लिया या फिर सिलेंडर लिया सिलेंडर इसमें आपने देखा कि जो पहले जो लेवल ऑफ वॉटर था वो आपका कितना है यहां पर 60 ml है ठीक है वहीं पर जब आपने इसी ही सिलेंडर सिलेंडरकल वेसल में आपने क्या किया आपका जो इेगुलर सॉलिड है उसको आपने टाइप कर लिया कर रहा और उसको एक थ्रेड से अप करके इसके अंदर बहुत ही सावधानी से इंसर्ट किया एंड जैसे आपने इंसर्ट किया तो आपने देखा कि जो आपका लेवल ऑफ वाटर है वो इंक्रीज हो गया और कहाँ तक पहुंच गया एट्टी एम तक पहुंच गया तो मान लेते हैं कि ये आपका V1 है ये आपका V2 है तो आपका वॉल्यूम कितना आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम आपका चेंज इन वॉल्यूम होगा V2 टू माइनस वी वन विच इज टू एम एल माइनस तो जो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है यह वो आपका निकल आया निकल आया जैसे ही आपको ये वॉल्यूम मिल जाता है और आपके पास मास ऑलरेडी निकल कर आ जाता है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो वहां पर क्या कैलकुलेट कर सकते हो डेंसिटी आप निकालोगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला विच इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम और आप इजीली जानते हो कि 1 ml जो है वो आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है तो ये 20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा मास आपका जो भी निकल कर आए वो हो गया आप मास की वैल्यू रखोगे वॉल्यूम की जगह पर ये रखोगे और आप कैलकुलेट कर लोगे अपनी डेंसिटी ठीक है अब ये हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं एक बार क्या लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज हो रहा है किसी भी इरेगुलर सॉल्ट को वाटर में डालने से चलिए देखते हैं तो ये देखिए हमारे पास क्या है एक ग्लास में एक वाटर है जिसका अगर आप लेवल देखेंगे जब तक वो स्टेबल ना हो जाए तब तक आप उसको रखेंगे जैसे ही वाटर थोड़ा स्टेबल हो जाएगा आप इसको कैलकुलेट करेंगे अपने और हमेशा ही वाटर को जब आप मेजरमेंट करोगे इस ग्लास के अंदर आप ऊपर से कैलकुलेट नहीं करोगे आप साइड से कैलकुलेट करोगे उसका मेजरमेंट लिख लोगे फिर इसमें आप जो आपके पास इरेगुलर सॉलिड है उसको आप थ्रेड से टाई अप करोगे थ्रेड से टाई अप करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है थ्रेड से टाई अप इसको टाई अप करने के बाद इस सॉलिड को इस वाटर में इंसर्ट करोगे आपने इंसर्ट की और आप इजीली अभी देख पा रहे हैं कि जो लेवल ऑफ वॉटर है वो क्या हुआ इंक्रीज हो गया है जो इंक्रीज हुआ फिर से आप इसको कैलकुलेट करेंगे कहा से इधर साइड से, से या फिर इधर से या फिर इधर से ना कि आप ऊपर से देखेंगे यहां से आप देखेंगे तो जो इंक्रीज हुआ है जब वो स्टेबल हो जाए तब इसका आप जितना भी लेवल इंक्रीज हुआ है उसको आप लिख लेंगे फिर डिफरेंस निकालेंगे वही जो होगा आपका वॉल्यूम ऑफ अ इरेगुलर सॉलिड कहलाएगा तो चलिए अब बात करते हैं टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड अगर आपको किसी भी लिक्विड का अगर डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे अभी आप आपने सॉलिड का देखा जिसमें आपने रेगुलर सॉलिड और इरेगुलर सॉलिड कैलकुलेट कर ली नाउ वी हैव टू गो एंड टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। इसमें आप क्या करोगे? एक बीकर का जो मास है, वो M1 है अब आप क्या करोगे आपने एक बीकर का मास कैलकुलेट कर लिया आपने एक मेजरिंग सिलेंडर लिया इसमें आपने वो लिक्विड को पोर किया मान लो वो लिक्विड जो है वो मिल्क है आपने मिल्क को किया सर्टेन लेवल तक किया मान लेते हैं आपने जो उसको पोर किया है वो आपने 50 एम तक करा तो अब जो वॉल्यूम है मिल्क का वो क्या हो गया 50 सेंटीमीटर क्यूब हो गया 50 एम और आप जानते हो कि 1 एम एल इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब अब आप क्या करोगे इस मिल्क को ट्रांसफर किस में करोगे इस एमपिटी बीकर में करोगे जैसे ही आपने इस मिल्क को यहां से ट्रांसफर किया गया एम टू का एम वन था मिल्क के आने के बाद एम टू हो गया अब क्या करोगे आप डिफरेंस निकालोगे एम टू एंड एम वन का और वो जो आपका निकल कर आएगा वो आपका निकल आएगा मास ऑफ द मिल्क एम टू माइनस एम m2 m1 की जो वैल्यू है m आपने यहां रखी वॉल्यूम आप पहले ही निकाल चुके हो और ये इसके बाद आपको क्या करना है डेंसिटी फॉर्मूले का यूज करके डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम आप किसी भी लिक्विड की डेंसिटी कैलकुलेट कर लोगे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो चलिए बात करते हैं एक और वेसल की जिसका नाम है डेंसिटी बॉटल जिसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है जिस किसके लिए डिजाइन करते हैं तो हम इसको स्पेशली डिजाइन करते हैं ये एक स्मॉल ग्लास बॉटल होता है हैविंग अ ग्लास स्टॉपर एट इट्स नेक नेक इसके पे एक ग्लास स्टॉपर लगा रहता है इस बॉटल में एक हम फिक्स्ड वॉल्यूम का लिक्विड इसमें इजीली मेजर कर सकते हैं अप टू द 50 एम एल यहाँ पर है ग्लास की बॉटल है इसको आप मेजर कर सकते हैं तो दिस इज नोन एज डेंसिटी बॉटल चलिए। अब चलिए बात करते हैं एक नोट की जहां पर है कि मान लो कि आपका जो डेंसिटी है वाटर की वो वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है आप सभी जानते हो इतनी होती ही है ठीक है तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि मास ऑफ द वाटर नीडेड टू फिल द बॉटल कंप्लीटली तो विल गिव द वॉल्यूम इसमें वॉल्यूम कितना होगा वन एम का वॉल्यूम होगा तो आप बॉटल में कितना पानी डालोगे वन एम तक डालोगे कि इसमें डेंसिटी बॉटल में ठीक है और इस डेंसिटी बॉटल को हमने नाम नहीं दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल नाउ इट इज नॉट नेम्ड एस स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल ओके तो चलिए बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड यूजिंग द डेंसिटी बॉटल अब यहाँ पर आप सभी जानते हो कि डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड को हमें कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं डेंसिटी बॉटल का यूज कर सकते हैं जिसके लिए हमें मेजर क्या करना पड़ेगा मास ऑफ अ लिक्विड मास ऑफ द वॉटर जो भी हम ले रहे हैं किसकी हेल्प से यूज कर सकते हैं उसको कैसे मेजर कर सकते हैं कॉमन बीम बैलेंस की हेल्प से द मास ऑफ द वॉटर इन द डेंसिटी बॉटल जो भी यहाँ पे वॉटर का मास रहेगा वो आपको क्या बताएगा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बताएगा ठीक है अब हम सबसे पहले क्या करते हैं इस मेथड में इसमें क्या करेंगे हम पहले जो हमारी एम्पिटी डेंसिटी बॉटल है उसको हम साफ करेंगे खाली का आ, जो आपकी एम्पिटी बॉटल है उसका हम मास मेजर कर लेंगे मान लेते हैं वो आपका ग्राम आया फिर आपने क्या किया स्टॉपर को हटाया स्टॉपर को हटाने के बाद उस डेंसिटी बॉटल में आपने वाटर फिल किया अब वाटर फिल करने के बाद जो भी बाहर थोड़ा बहुत पानी उस बॉटल पे लगा हुआ है उसको आपने साफ किया ड्राई किया फिर से आपने उसका का मास मेजर किया और मास आपका आया m2 ग्राम नाउ अब उसने हम उस बॉटल में जो हमने वाटर भरा उसको हमने खाली किया बॉटल को खाली किया फिर उसको हमने सूखने दी गया. अब हमने उस बॉटल में क्या करा विद द गिवन लिक्विड जो भी हमारे पास है उसमें डाला एंड रिप्लेस किया स्टॉपर फिर से उसमें स्टॉपर को बंद कर दिया। है ना फिर से हमने बाहर से साफ किया और ड्राई होने दिया। फिर हमने जैसे ही उसका मास कैलकुलेट करा तो उसका मास निकल कर आया ग्राम। कब, कब आया आपका जब आपने उस बॉटल में आपके पास जो लिक्विड दिया गया है जिसको आपको कैलकुलेट करना है डेंसिटी वो आपने जब फिल किया तो अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगी मास ऑफ द लिक्विड मास ऑफ द लिक्विड क्या होगा जो आपने जब इस लिक्विड को डाला है उस बॉटल में तब का मास माइनस एम वन अब में क्या होगा एम टू माइनस एम वॉल्यूम ऑफ दॉल्यूम ऑफ दू माइनस एम वन आपने उसमें पानी डाला तब का मास एंड एम वन जब वो बिल्कुल खाली थी तब का मास ठीक है तो इस तरीके से आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं अब यहां पर एक क्वेश्चन दिमाग में आया होगा कि वॉल्यूम के लिए हमने एम टू माइनस एम वन क्यों किया तो मैंने यहां पर आपको एक पॉइंट बोला था कि जो मास होगा वाटर का इन द डेंसिटी बॉटल दैट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बोला था ना तो वही यहां पर यूज किया है क्लियर एवरीवन तो चलिए अब बात करते हैं एक टॉपिक जो इसमें आता है वो है आपका रिलेटिव डेंसिटी एज पर द नेम सजेस्ट कि यहां पर भी डेंसिटी कैलकुलेट हो रही है बट विद रिस्पेक्ट टू समथिंग ठीक है अब यहां पर किसी भी सब्सटेंस की अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो आपको वहां पर पता होना चाहिए उस सब्सटेंस की डेंसिटी और उसको आप कैलकुलेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर देन दिस इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी

अपॉन मास ऑफ वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉटर किसी भी सब्सटेंस का वन सेंटीमीटर क्यूब पर जो मास है वो आप कैलकुलेट करोगे उसी वन सेंटीमीटर क्यूब पर आप वॉटर का मास कैलकुलेट करोगे दोनों को डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी अब सेंटीमीटर क्या है एक्चुअली? ये सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर तो यहाँ पर, तो पर इसकी डेफिनेशन निकल कर आती है इन टर्म्स ऑफ मास दैट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस टू द मासूम ऑफ वॉटर दैट इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स क्लियर अब बढ़ते हैं हम आगे अब ये जो आपको पास रिलेटिव डेंसिटी है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है क्यों नहीं होती है क्योंकि अभी हमने देखा इसका फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वॉटर या फिर इसका फॉर्मूला था Mass of any volume of any substance upon mass of same volume of वाटर तो यहां पर जो ये डिवाइड हो रहे हैं मास मास हो रहे हैं या फिर डेंसिटी डेंसिटी हो रहे हैं तो ये तो इनकी कट जाएंगे तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं बचेगी इसीलिए क्या हो जाएगी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस क्वान क्वांटिटी जिसमें आपके पास ऑप्शन होंगे डेंसिटी मास वॉल्यूम रिलेटिव डेंसिटी तो आप क्या टेक करना है रिलेटिव डेंसिटी ठीक है आप चलते हैं आगे तो चलिए अब बात करेंगे डेंसिटी बॉटल भी जो है वो भी आपका कैलकुलेट करती है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड द डेंसिटी ऑफ वाटर एज वी नो दैट वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सो द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस है ना रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस कैसे हो गया वॉट इज दिस रिलेटिव डेंसिटी दैट इज योर मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ सब वॉटर है ना हम जानते हैं कि ये जो वॉल्यूम ये जो वॉटर है इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी होती है वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है ये तो सबको पता ही है और आपका इसने फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर और आपको पता था अभी क्या पड़ा कि वाटर की डेंसिटी कितनी है वन ग्राम

वो लर्नोह फ्री है पर बेस्ट है और यहां पर आपको मिलता है मैथ साइंस एस एस टी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एट लर्नोह डॉट कॉम सो थैंक यू एवरी वन